शहर के मशहूर सिटी न्यूज चैनल पर दैनिक राशिफल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं प्रकाश वाघ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। समय तो हाथ से निकलते जा रहा है और हम निरंतर रोज वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति के संपर्क में आते रहते हैं। इसके अलावा चौथा तो हमारे सामने कोई आता नहीं, लेकिन रोज हमारा हर वस्तु के साथ शुभ योग बने, हर व्यक्ति के साथ लाभ योग बने और परिस्थिति के साथ हमारा भाग्य योग बने, यही शुभकामना के साथ आज की दैनिक राशि चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक 23 सितंबर 2020, आश्विन शुक्ल सप्तमी है आज बुधवार, ज्येष्ठा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है। और सप्तमी का क्या कहना, बड़ी पवित्र तिथि है, 7 अंक का बड़ा ही महत्व है, फिर तारीख हो या तिथि हो। कहते हैं कि जिसने 7 को जान लिया उसने करीबन ब्रह्मांड के बहुत सारे सत्य तथ्य को जान लिया, इतना इस नंबर में विज्ञान भरा हुआ है। कभी आपको एकाधे कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे। और बुधवार तो एक बड़ा ही प्रसन्नता से भरा दिन है और उस पर ज्येष्ठा नक्षत्र जो हमें बताता है कि ज्येष्ठता क्या होती है। अगर आप घर में ज्येष्ठ है तो कितना महत्व है, अगर आप एकाधा ज्येष्ठ काम कर रहे हैं तो कितना वजन है आपका, और यही ज्येष्ठता अगर आज के इस नक्षत्र में देखा जाए तो सहनशीलता की मूर्ति इस नक्षत्र पर जन्मे वाले लोग होते हैं। बड़ा ही दुयम जीवन जीना पड़ता है, सब कुछ सबसे खर्चा करके जो बचा वो इनके हिस्से में आता है, 1 से 9 परिवार तक और खुद 10। अगर 10 रुपये कमाए तो जिनके हिस्से में 1 रुपया आता है वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। बस चंदन की तरह घिसते रहो और अपने लिए एक समाधान मानते रहो। फिर भी जीवन में इनके प्यार करने वालों की कमी नहीं रहती, इनके शुभ चिंतकों की कमी नहीं रहती, इनको आशीर्वाद भरपूर रहता है और देवताएं कृपालु होकर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ज़्यादातर दीर्घायु के वरदानी भी इन नक्षत्र के लोग माने ही जाते हैं। अब इस नक्षत्र पर अगर कुछ आपको करना हो तो यह नक्षत्र का पहला चरण छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा चरण अपघात के लिए बड़ा ही घातक होता है। किसी न किसी रूप में हमारी कोई ना कोई हड्डी तुड़वा के रहता है और कोई लाठी काठी का सहारा लेकर कुछ दिनों तक हमें परावलंबी जीवन जीने के लिए मजबूर कराता ही रहता है। इस नक्षत्र में मंगल का होना तो शुभ माना जाता है, लेकिन इस पर राहु की दृष्टि अगर है या कोई नीच ग्रह की अगर दृष्टि है तो किसी के शाप दोष और पीड़ा भी इसे लगती है। नज़र लगने में बहुत ही पहला चरण इसका एक नाजुक सा है। इस नक्षत्र पर आप एक शस्त्रों का पूजन कर सकते हो, शस्त्र को खरीद सकते हो, किसी अस्पताल में जाके किसी का अगर रिश्तों में अपघात हुआ है या व्याधिग्रस्त है उनको आर्थिक मदद भी कर सकते हो, भोजन का दान सहयोग भी कर सकते हो। इसके बाद इस नक्षत्र पर अगर किसी के आपको पूजन करना है तो शाम को आप किसी पशु को भोजन खिलाने से इसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में सुबह का अमृत मुहूर्त 6:10 से 7:40 है, शुभ मुहूर्त सुबह 9:10 से 10:41 है, और चर लाभ अमृत मुहूर्त को देखा जाए तो दोपहर को 2 बजे से करीबन शुरू होकर शाम को 6:30 तक है। आप इसमें अपने महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देकर एक सफलता अर्जित कर सकते हो। आज इस नक्षत्र पर जिन बालकों ने जन्म लिया हो उन बालकों को हमारा आशीर्वाद, उनके पालकों का अभिनंदन भी। करीबन हो सकता है कि न य या भ नाम से जन्म हो और ज्येष्ठा नक्षत्र पर जन्मे बालकों का थोड़ा लंबा लचक नाम रखना चाहिए, एक जैसे जिससे सम्माननीय लगे और लेने के लिए थोड़ा गहरा ही से लेना पड़े। बड़ा ही शांतिप्रिय बालकों का आगमन आज के दिन हुआ है और आज जिनका जन्मदिन हो उनको हमारे सिटी न्यूज चैनल की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। इसके बाद देख लेते हैं कि आज के एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक का नाम है, सौभाग्यवती है, गृहिणी है, कुटुंब वत्सल है, माता पिता की सेवा और एक अपने संसार में मस्त व्यस्त और खुश, मर्यादाओं में अपने जीवन को खुश मानने वाले
जो मिला प्रकृति से उसे प्रभु आशीर्वाद मानने वाले सौभाग्यवती कांचन ताई हेमंत जी कुरड़कर अंजनगांव सुरजी से हैं। इनका जन्म तारीख भी बड़ा सुंदर है, 12 जनवरी 1990। आपको हेम कांची भी कहा जा सकता है, यह आपके घर का भी नाम सुंदर रखेगा। अगर आपको संतान हो गई तो उसका नाम हेम कांची भी रख सकते हैं आप। आपने प्रश्न पूछा है कि स्वास्थ्य रक्षा कैसे हो, क्या आपको आपके पति के स्वास्थ्य की चिंता रहती है? क्योंकि कांचन हेमंत द्विदार्शिक योग आने की वजह से पति थोड़ा सा नाजुक साजुक स्वास्थ्य को धारण करता है, जिसे स्वास्थ्य रक्षा की चिंता रहती है। हम आपको एक स्वास्थ्य रक्षा का सुंदर मंत्र बताते हैं। अगर स्वास्थ्य रक्षा चाहिए तो सबसे पहले भोजन बनाने के तुरंत बाद 40 मिनट के पहले ताज़ा भोजन कीजिएगा। विश्व के सभी बड़ी दवाइयों से भी टॉनिक से भी इससे ज़्यादा शक्ति व्यक्ति को मिलती है। दूसरा कि आप अपने नियमित दिनचर्या में 10 मिनट या 15 मिनट का व्यायाम सम्मिलित कीजिएगा, जिसमें श्वास और बाकी इंद्रियों में हवा भरने जैसे जैसे धोखनी है या हमारे कुंडली जैसे किडनियों का शुद्धिकरण है या कोई मुद्रा है उसमें रहने का एक प्रयोग कीजिएगा, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा निश्चित होती है। तीसरा, तीनों भी ऋतुओं के जो आर्टरी 24 वायरल डिसीज जैसा है उसकी शरण में रहिएगा, उसके मंत्र आप याद कीजिएगा। स्नान के वक्त आप उन मंत्रों का जाप कीजिए। बिल्कुल पानी पीने का प्रमाण कभी भी 2 ग्लास 24 घूंटी रखिएगा, आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आपको वैद्यराज की के एक झूठे आश्वासन पर समय व्यतीत करके अपने कमजोरियों का प्रचार करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल फले फूलेंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और खुश भी रहेंगे। कांचन जी, आपने हमें इस कार्यक्रम में प्रश्न पूछा, इसलिए आपका स्वागत और अभिनंदन भी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो फोन कर सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं एक दर्शक का भविष्य, जो बहुत ही एकाग्र व्यस्त और मस्त, काम से फुर्सत नहीं, 24 घंटे मानो दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलता हो जिनके। ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु नहीं जिसको देख के ये पहचान न ले इसमें कहाँ क्या फॉल्ट है। श्री पिंजरकर, अपने जिला परिषद स्टेडियम के पास इनका कार में जो स्टीरियो चलता है उसके मैकेनिक की दुकान है। इतना सारा दिमाग और इतना सारा ज्ञान, म्यूजिक के बारे में इतनी गहराई से ज्ञान, और व्यक्ति को बिल्कुल जगह पे हिलाने का वो साउंड सिस्टम का पूरा विज्ञान आपके पास है, और आपकी नज़र, आपकी समझ एक आपको एक परिपूर्णता दे चुके हैं मानो एक क्षेत्र में। आपका भविष्य क्या बताना कि जब तक आप जिंदा हो आपको यही काम करते रहना पड़ेगा, लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, गाड़ियां आपके सामने दौड़ती रहेंगी, अगर कहीं बंद पड़ गई तो आपकी याद आएंगी। आप अपने कार्य में इतने कुशल है कि कहीं भी आप जाए तो आपका कला गुण आपको परिपूर्णता देगा, संपन्नता देगा, सम्मान भी देगा। हो सकता है आपको आपके काम के वजह से वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीने में थोड़ी एक कठिनाई महसूस हो, क्योंकि व्यस्तता के बावजूद आप सबको समय और सम्मान देने में कम पड़ते हो, लेकिन आपका आनंद, आपका आपके कार्य के प्रति प्रेम और आपके ग्राहकों का विश्वास निरंतर बढ़ता रहेगा। आप सफलता अर्जित करते ही जाएंगे। जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, आपका धन, यश और सम्मान वृद्धिंगत हो गए होगा। आपको हमारे इस कार्यक्रम की ओर से, सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और स्वागत भी। इसके बाद देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए टेरो कार्ड के माध्यम से। ये टेरट कार्ड तो एक पाश्चिमात्य पद्धति है, लेकिन हमारी जो हिंदू ये गणित विज्ञान है उसके सामने ये उतना पावरफुल नहीं है, फिर भी हम इससे आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों को हम हमारी पात्रता से बहुत ही हल्का और छोटा काम कर रहे हैं ऐसा महसूस होगा, कई रूपांतरण या बदलाव न कर दे। सही बात है, आत्म परीक्षण से आत्म मूल्यांकन करना हितदायक। वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लोगों को कहीं तोहफा देने के लिए जाने का योग प्राप्त हो जाएगा। आपके घर में पहली बार कुछ नए फूल भी खिलेंगे। हो सकता है कि कहीं आप पर तारीफ की वर्षा न हो जाए। मिथुन राशि, अगर आप मिथुन राशि के हो तो समय बर्बाद होगा, टाइम पास होगा, किसी के इंतजार में व्यर्थ चला जाएगा, बहुत गुस्सा और पछतावा भी आ सकता है आज। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों को आज एक किसी के एक जीवन समापन की, ब्रह्मदेव के बुलावे की बुरा खबर भी आ सकता है। हो सकता है अपने प्रियजनों का वियोग और विलाप भी आपको आज करना पड़े, किसी के लिए आंसू भी बहाना पड़े। दुख की गहराई आज के दिन तो बनी ही रहेंगी। सिंह राशि के लोगों को अपने बुरी संगत से बचना चाहिए, प्रलोभन से दूर रहना चाहिए, अपने कोई भी कार्य करते वक्त अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए और अपने परिस्थिति का भान भी रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि के लोग क्या आप सारे बंधन तोड़ के, एक मर्यादाओं को तोड़ के थोड़ा खुलापन में जीने की इच्छा हो जाएंगी। मन मान ही नहीं रहा है, मानो गुलाम सा हो गया है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा, कोई पीछे जो पड़ा है। तुला राशि के लोगों को अपनों से दूर रहना चाहिए। कोई आपको शाप न दे दे, कोई आप पर विष प्रयोग न कर दे, कि भोजन करते वक्त सावधानी बरते, मौन बरते और कोई भी बात कहना हो तो बिना पूछे न कहे। वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज कहीं हम गर्भवती है इस बात का पता न चल जाए, नए सुखद सपनों का आरंभ न हो जाए, अपने अंतरंग में एक झांकनी का एक सुयोग सुअवसर प्राप्त होगा, मन आपका खुश रहेगा। धनु राशि के लोगों को आज चोरी से संभल के रहना चाहिए, अपनों से अपने राज, अपने वस्तुएं और अपने पैसे भी छुपा के रखना बहुत जरूरी है, किसी की बुरी नजर आपको धोखे में ला सकती है। मकर राशि के लोगों को अब ज्यादा भोलापन अच्छा नहीं, प्यार से ज्यादा विश्वास होता है, विश्वास से ज्यादा समर्पण होता है और समर्पण से भी ज्यादा हमारी जिम्मेदारियां होती है, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा आज आपको। मकर राशि के लिए आज का दिन राजा महाराजा जैसा महसूस होगा, कोई कार्यक्रम में आपको जरूरत से ज्यादा सम्मान न मिल जाए, बड़प्पन न मिल जाए, हो सकता है कोई आपकी ऐसी तारीफ कर दे, आपका मन आपको लायातीत, लालची भी बना सकता है। कुंभ राशि के लोगों को किसी तीसरे के माध्यम से सफलता अर्जित होगी, लेकिन उसके उपकार के नीचे दबे रहने का गम भी सताएगा। खुशी तो मिली है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सिफारिश से कि जिसको हम याद नहीं करना चाहते, न धन्यवाद देना चाहते, आनंद नहीं लगेगा। मीन राशि के लोगों को अपने मन पर नियंत्रण न होने की वजह से दुख महसूस होगा, पीड़ा महसूस होगी, घर के लोगों के आंखों में आंसू देखकर अपने कमजोरी पर एक बहुत ही दर्द और गम महसूस होगा। संकल्प सिद्ध बने। यहाँ पर हम 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त कर आप दर्शकों को भी सुअवसर प्रदान करते हैं इसी कार्यक्रम में आपका महत्वपूर्ण प्रश्न और भविष्य जानने का। इसके लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम के साथ जन्मतिथि भेज सकते हैं। यह कार्यक्रम अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबाना बहुत जरूरी है, आपको नित्य नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर आप वहीं से लाइक, कमेंट और शेयर करके अपने फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस पर डालकर अपने मित्र, रिश्तेदार और शुभचिंतकों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। मैं प्रकाश वाघ इस दैनिक राशिफल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों से लेता हूं अलविदा। देखते रहिएगा आपका मनपसंद चैनल सिटी न्यूज़। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय। हरिओम तत्सत।